बीते साल के अंतिम दिन सीएम नीतीश समेत बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। ब्यौरे के जारी होने के बाद विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो गलत दिखाया है। जितनी संपत्ति उनके पास है उन्होंने उतना नहीं दिखाकर काफ़ी कम संपत्ति दिखाई है। विपक्ष का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपनी कई संपत्तियों को नहीं दिखाया है, उसका ब्यौरा नहीं दिया है। इस पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि किसी संपत्ति को छिपाया गया है तो बताएं कि किस संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उन्हें भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी करना चाहिए। बिहार राज्य के तमाम मंत्री तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी कर रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री यानी कि केंद्र के जो मंत्री हैं उन लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक किया हो। और क्या कुछ कहना है जगदानंद का, आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। यहाँ पर तेजस्वी यादव के ब्यौरा पर सवाल उठा रहे हैं सुशील मोदी, कह रहे हैं कि 52 संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं, कांति सिंह के द्वारा जो घर दिया गया उसका ब्यौरा कब देंगे? बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमें नहीं देखा। यदि यह देश में परंपरा नहीं कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपकी स्थिति क्या है, उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया। और एफिडेविट और संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। समाज के विश्वास को तोड़ करके अविश्वास की दीवार खड़ा करना किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत बड़ा दोष है। कभी सुशील मोदी जी ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया? बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। अब आप बताओ जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है और चले जाओ कोर्ट में। ये तो शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में, यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे और अपराध के लिए साबित करने के लिए केस करने के लिए न्यायालय के सिवा और कोई जगह नहीं है। इसे जनता के द्वारा ठुकराए हुए इस बिहार के लोग बहुत बड़बोलापन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है।